अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने इस पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री इसके तीन वीडियो में बना चुका हूँ, और जिसके अंदर पार्ट वन के अंदर मैंने रीट के बारे में बताया, और पार्ट टू में मैंने रीट और जकार्ड के बारे में बताया, साइज़ निकाला कि कैसे हम इसका साइज़ मेजर करेंगे, स्केच हम किस साइज़ का बनाएंगे। तो जिन्होंने अभी जो नए हैं वो पार्ट टू या पार्ट थ्री देख सकते हैं, मेरी बड़ी तफसीली वीडियो मैंने बनाई है, और रिपीट के हवाले से ख़ास तौर से पार्ट थ्री के अंदर मैंने बड़ी वजाहत, बड़ी डिटेल से मैंने इसको वीडियो में मैंने इसकी वजाहत करी है ना। तो फिर भी मैंने देखा कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है रिपीट को समझने में, तो जो कि मैंने बताना ज़रूरी समझा आपको, तो उस पर एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इसको ज़रा सा ये देखिएगा, ये जो है हमारा A4 साइज़ का एक पेज है, ठीक है। जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसको बस सारी बात समझ में आएगी, अगर नए होंगे तो उनको नहीं समझ में आएगी, तो लिहाजा उनसे यही है कि वो पिछली वीडियो जाके देख लें। तो रिपीट के हवाले से ये मेरा एक पेज है A4 साइज़ का, और ये जो मैंने जो लाइनें जो दी हुई है ना इसके अंदर, ये मैंने 3 इंच का, 3x3 इंच का एक साइज़ मैंने ले लिया इसका, ठीक है। अब इसके अंदर हम किस तरीके से क्रिएशन करेंगे, अच्छा बाद में अगर आप मसला एक ये आता है ना, देखें ये तीन, ये पूरा यहाँ से लेकर मैं एक देखें नई लेयर लेकर ताकि मैं इसको ग्रीन भी कर दूँ, ये देखें ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसकी चौड़ाई है 3 इंच, ये 3 इंच का एक बॉक्स है, ठीक है। और इसी तरीके से ये जाहिर सी बात है ये भी चौड़ाई आएगी, और ये इसकी लंबाई 3 इंच है इस बॉक्स की, ठीक है। अब ये रियल साइज़ तो ये होता है, लेकिन जिस वक्त हम इसकी रिपीट बना रहे होते हैं या पर्सनल क्रिएशन कर रहे होते हैं, तो हम अपनी आसानी के लिए इसको हम सेंटर, इसकी एक लाइन सेंटर में भी देते हैं इसको ऐसे, ठीक है, और इस तरीके से भी हम सेंटर में देते हैं इसको, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब मसला ये आता है कि रिपीट को हम क्रिएट कैसे करें, तो उसमें सबसे बड़ी बात, सबसे पहला आप जो जिस चीज़ पे ध्यान देना है ना, वो ये देना है कि आप कोई भी इमेज अगर हम आप बनाएं, तो देखें अब ये 3x3 इंच है ना, तो आप डायरेक्ट जो है ना ये अपना इमेज जब भी स्टार्ट करें तो ऐसा ना करें कि ये बिल्कुल, देखें ये बॉक्स नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। अच्छा 1, 2, 3 को भी आप भूल जाएं, आप ये समझ लें हाफ ड्रॉप रिपीट बना रहे हैं क्रॉस में, क्रॉस रिपीट जिसे कहते हैं हम। क्रॉस रिपीट का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये अभी मैं थोड़ा सा फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्रॉस रिपीट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि देखें ये जो आप इसके 3x3 इंच का एक बॉक्स था हमारा ये पूरा, ठीक है, हमने इसकी ये सेंटर लाइन निकाली है, लेकिन मेन बॉक्स है 3x3 इंच का, ठीक है। अब इसका एक, अब इसके 4 बॉक्स हमने बना लिए इसके, ये डिपेंड करता हमारे ऊपर, हम जितने भी बना सकते हैं कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसका यानी कि बीच से इसका वर्टिकल और हॉरिजेंटल ये हमने सेंटर निकाल लिया। अब ये देखें ये बॉक्स और ये बॉक्स एक बराबर है, ठीक है। जब मैं ये कहूँ कि ये बॉक्स और ये बॉक्स एक बराबर है, तो इसका मकसद ये कि जो चीज़ आपको सेंटर रिपीट बनानी है ना हाफ ड्रॉप में, तो आप इस बॉक्स के अंदर कुछ भी बनाएंगे वो लाजमी इस बॉक्स में आ जाएगा, ठीक है। ये बात आप जहन में रखिएगा, जब आप अपना आर्ट क्रिएट करें तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए आर्ट को क्रिएट करिएगा। फ़र्ज़ करें ये ए आपने अगर बना दिया ना, और ए के ऊपर आपने एक लकीर यूँ मारी, तो इसका मतलब है जब आप ट्रेसिंग पेपर से इसको ट्रेस करके और यहाँ पर जब इसको ट्रेस करेंगे ना क्रॉस सेंटर से, तो फिर ये इधर इधर भी ये चीज़ सेम ऐसी आ जाएगी क्रॉस में। ये समझ लें कि अब इस बॉक्स की जो कॉपी है ना, ये इतने बड़े बॉक्स की कॉपी, अभी आपकी ये कॉपी यहाँ पर चलेगी, इसकी इधर कॉपी होगी इसकी ए की ए में, ठीक है।
इसी तरीके से ये जो बॉक्स है ये भी एक बॉक्स बन गया। अब इसमें कुछ भी बनेगा इसको कॉपी आप यहाँ करेंगे, ठीक है। अब बचा बाकी ये बॉक्स, ये हो गया बी, और यही सेम सूरत हाल इन दोनों बॉक्स के साथ भी होगी, ठीक है। इसमें भी कोई भी चीज़ का इजाफा किसी भी चीज़ का होगा तो वो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ मैं। अब आगे चलते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्टार्ट कहाँ से लें क्रिएशन करना, ठीक है। देखिए क्रिएशन करने में मेन पॉइंट, मेन ट्रिप मैं आपको बताऊँ, कभी भी आप अपना डिज़ाइन स्टार्ट करें क्रिएशन के लिए ना, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं समझाने के लिए ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। फर्ज़ करें कि आपने एक डाल ले ली ऐसे करके, ठीक है, या आप एक डाल बना रहे हैं। ये मैंने एक डाल बनाई, अब मुझे ना एक जाल बनाना है। फर्ज़ करें किसी भी जैकार्ड के फैब्रिक के लिए मुझे एक पैटर्न बनाना था, जिसके अंदर डाल और फूल पत्तियों वाला मुझे एक पैटर्न बनाना है। अब देखें ये गौर करें कि मैंने जो डाल जो ली है ना, अभी फ़िलहाल मैंने इस बॉक्स की जो सेंटर की लकीर है इसको मैंने क्रॉस नहीं किया है। कोशिश ये करूँगा ये चीज़ क्रॉस ना हो, ठीक है। बाज़ औक़ात अगर मैं इसको इतना बड़ा अगर मैं बना दूँ ना यूँ करके, तो ये मेरे लिए मसला खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसको फिर आप कहाँ बिठाएंगे, क्योंकि ये तो ए और ये भी ए था। अब इसको आप यहाँ तो ला नहीं सकते, फिर ये टकराने लगेगा। तो लिहाजा हम इसका ये ख्याल करते हुए इसको हम बनाएंगे। तो अभी हमने बनाया ये सिंगल बॉक्स के अंदर, और हमने थोड़ा सा इस बॉक्स को भी अपने डिज़ाइन को यहाँ ले लिया है, और फिर मैंने यहाँ से मूव किया ऐसे करके यूँ करके, अब ये ऐसे आ गया। अब आप इसके अंदर देखें लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये तो रिपीट का ये एक मेन हिस्सा ऐसा है कि इसका एक उसूल ये है कि कोई भी चीज़ यानी ये जो लकीर है इससे अगर बाहर जाएगी तो वो बिल्कुल सेम इसके सामने वापसी यहाँ पे कॉपी इसके अंदर आ जाएगी, कॉपी होगी कोई भी आर्ट, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि अब मैंने यहाँ से एक पत्ता ले लिया, ठीक है, ये मैंने पत्ता ले लिया ऐसे करके। आप लोग इसको बनाते हैं वह डरे ना, वरना ये बॉक्स वाला डिज़ाइन जो है ना ये सिर्फ बॉक्स के अंदर ही रहेगा। बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि वो बॉक्स के अंदर अंदर सारा आर्ट फिर भर देते हैं, फिर जब उसकी रिपीट लगाते हैं तो मसला आता है। अब यहाँ आपने एक पत्ती बना दी इसकी, तो आप सबसे पहले एक आइडिया लें, आप इसको पूरा कॉपी ना करेंगे, पूरा बॉक्स कॉपी करके यहाँ बिठा रहे हैं। सबसे पहले आप डिफाइंड करें ना आपकी चीज़ बन कैसे रही है। तो आप भले पेंसिल से थोड़ा सा 19-20 बनेगा, लेकिन जिस अंदाज से ये चीज़ यहाँ से उठी है ना इस लकीर के पार से, ठीक है, अब ये यहाँ से उठेगी। देखिए मेरे अंदर ना गलती से कर दिया था, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब इसका मकसद ये है ये चीज़ जो आएगी ना वो आएगी इस वाले इस लकीर से इस तरफ, बस बाहर जाएगी। जो चीज़ लकीर के अंदर है वो इस लकीर के बाहर जाएगी, और जो बाहर है वो अंदर आएगी, और यही उसूल सारी लकीरों के साथ होगा। ऊपर अगर यह मामला आ रहा है इस तरीके का, जो चीज़ यहाँ अंदर है वो इससे बाहर आ जाएगी, ये मैंने पहले भी समझाया था, और जो चीज़ ये इधर से बाहर आ गई और फिर ये इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ, इसको भी ज़रा सा आप जहन नशीन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखें अब मेरे को पूरा कागज़ प्रेस करने की या पूरी रिपीट देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक हल्का सा एक आइडिया ले लिया कि भाई मैं ना कुछ इस तरीके से चाह रहा हूँ ये ऐसे करके। अब मैंने क्या कहा था आपको, ए बराबर ए के होगा, ठीक है, क्रॉस के अंदर। अब लिहाजा मैं इस चीज़ को एक तो इसकी तो कॉपी इधर तो लाजमी आनी है ना, जो जिस लकीर को क्रॉस कर रही है ये तो लाजमी आनी है, इसको तो आप लाजमी रखेंगे। लेकिन इसके अंदर फिर एक जो अंदर से जो बॉक्स है ना इसकी आपस में सेटिंग भी होगी ना। अब आप इसको बी समझ लें या इसको ए समझ लें, कोई भी नाम दे दें, लेकिन ये क्रॉस में सेम आएंगे, जो चीज़ इधर आएगी वो इधर भी आएगी, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने यहाँ बनाई है, अब आप इसको कॉपी भी करके यहाँ रख सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि मेरा डिज़ाइन फाइनल नहीं हुआ, बहुत बाद जगह
मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, मुझे इरेज भी करना पड़ सकता है इसको। तो अभी मैं सरसरी एक लाइट सा, मैं एक आइडिया सा ले रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ कि ये कैसा लगने वाला है। अगर अच्छा लगेगा तो फिर मैं इसको फिनिशिंग के लिए इस पर मेहनत भी करूँगा, वरना मैं दूसरा आइडिया स्टाइल में क्रिएट करना चाहूँगा। अब देखिए मैंने एक लिया, अब मुझे पता ये सेम नहीं होगा, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा ये हो गया कि मुझे मेरा इस टकी से थोड़ा सा ये बाहर गया है। तो जाहिर सी बात है अब ये वाला बॉक्स जो है ना ये बाहर निकल रहा है। ये बॉक्स के अंदर आप देखें, इस बॉक्स के अंदर जो जो चीज़ें आ रही हैं, अगर आप यहाँ पर आप उंगली रख दें इस जगह को, अगर आप भूल जाएँ थोड़ा, तो ये इसको आप भूल जाएँ, आप सिर्फ इसको देखें और फिर इसको देखें। ये देखें ये बॉक्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको भी भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अभी देखें ये बॉक्स के अंदर ये हिस्सा बना हुआ है ऐसे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इस लकीर को टच कर रहा है। तो इसी तरीके से देखें ये भी हमारा ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब बकाया जो जो हिस्सा इसको इससे टच कर रहा है, मिला रहा है, वो हमने यहाँ से बना दिया ऐसे करके। इसकी वजह ये थी कि ये बॉक्स के बाहर जब हमने इसको लाके यहाँ ट्रेस किया तो ये बॉक्स के बाहर आ गया, और जब ये बाहर आ गया ये हिस्सा, तो अब इसका मतलब ये इसके सामने यहाँ पर भी आएगा। जब हम इसको इसके सामने लगा लेंगे ऐसे करके, एक आईडिया हमने यूँ भी कर लिया, अगर सेम यूँ करके आप देखें इसको, तो इसका क्या मकसद हुआ, ये हिस्सा इसके बाहर जो भी हिस्सा था वो देखें इस लकीर के अंदर अंदर आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब इससे क्या हुआ, हमने एक हल्का सा ये पेंसिल से आइडिया किया कि हमने ट्रेसिंग पेपर का इस्तेमाल नहीं किया है। अब इसमें ये देखें कि अब हमें इसके अंदर एक चीज़ ये देखनी है कि इसको हम लिंक करें, क्या ऐसा करें कि ये कंटिन्यू हो जाए। तो मैं ये चाहूँगा कि ये ठीक है, यहाँ तक तो ये हो गया। अब मैं एक पत्ता इधर से गिरा देता हूँ इसको, और एक पत्ता इसको यहाँ से, मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी क्रिएशन आप अपनी खुद करिएगा। ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। असल में जब आप क्रिएट करते हैं तो आपका जहन खुद काम करना शुरू कर देगा कि इसको किससे लिंक करना है। अब देखें जब ये लिंक हो गया ये हिस्सा, आप फिर इसकी आप कॉपी की तरफ जाएंगे। इसके बॉक्स को लाजमी जहन में रखिएगा, ये बी बराबर बी ए बराबर ए के आएगा इधर क्रॉस के अंदर एक दूसरे से, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, ये हिस्सा हमारा कहाँ जाएगा आपके ख्याल से, ये जो एरिया है इसका ज़रा सा आप आइडिया करें। देखें ये हिस्सा हमारा जो है ना, ये ए का बॉक्स पूरा आ गया, ठीक है। इसके अंदर ये हिस्सा थोड़ा सा ये आ रहा है, और इसकी पहचान के लिए आप ये देख लेना, जो आपने जो पेंसिल से ये आइडिया किया यही चीज़ है ना सेम, वो भी यही है। और ये पत्ती से टच होकर निकली है, तो आप यहाँ पर भी इसे टच करके निकाल दें इसको, और फिर इसके साथ एक डाल यूँ ऐसे आ रही है, वो भी एक आइडिया के तौर पर यहाँ निकल गई हमारी, ठीक है। तो ये पत्ती यहाँ लगी हुई है, अब देखें इसकी लोकेशन क्या है, इसके इस लकीर के बाहर है, देखें ये आ गई, ठीक है, ये ऐसे आ गई, ठीक है, ये हो गया। अब देखें मैं ये बना रहा हूँ, एक पैटर्न बना रहा हूँ, तो मैंने इससे पहले पत्ती बनाई थी आपको समझाने के लिए कि हमेशा जो है ना क्रॉस सेंटर क्रॉस की हाफ ड्रॉप रिपीट जो होती है ना, इसका कोई भी हिस्सा इधर का या इधर आता है, इधर का यहाँ आता है, यानी क्रॉस में आता है। अब देखें अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब मैं इसको भी क्या करूँगा, ये जो पत्ता ये जो बाहर निकला है, अब मैं अगर इसको यहाँ बनाता हूँ इस तरह वैसे करके, यहाँ देखें मतलब खड़ा हो गया, क्या हो गया, ये चीज़ इससे टकरा गई। तो यहाँ अब हम इस चीज़ को देखेंगे, अब इसको हम एडजस्ट करेंगे कि भाई अगर मेरी ये पत्ती अगर मैंने यहाँ कॉपी कर ली टकर गई तो फिर मैं क्या करूँगा। तो हाथ के हाथ इसको हम फौरन इसको एडजस्ट कर लेंगे, अभी ट्रेसिंग पेपर वगैरह हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। अब मुझे एक आइडिया हो गया कि जिस वक्त ये पत्ती इधर आएगी तो ये टकर जाएगी, तो फिर मैं ये एहतियात कर लूँगा। अब मैं कोई भी स्केच बनाते दौरान मैं इस लकीर से थोड़ा सा ऊपर ही रहूँगा, ताकि इससे आगे जब मैं इसको ट्रेस वगैरह करूँगा इसमें टकराए ना। अब ये देख लें ये नहीं टकराएगी, मैं इसको यहाँ इसके रिपीट निकाल रहा हूँ, तो ये देखें। अब ज़रूरी नहीं है मैं पूरा पेज भर दूँ रिपीट को ट्रेसिंग पेपर से बिठा बिठा कर, ये इतना भी बहुत है, हमें इतना इशारा मिल गया ना, ये चीज़ बाहर गई ये बस ये अंदर आ गई इतनी, और हल्का सा इशारा थोड़ा सा बाहर तक चला गया, ये इतना बहुत होता है।
फिर तो उसके बाद आप जब फाइनल बना लेते हो, फिर पैटर्न आप इसकी फोटोशॉप के ऊपर इसका पैटर्न भी मार के इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा अब ये हो गया। अब आप ये देखें, जब मैंने इसको सही किया यहाँ से, तो लिहाजा मेरे को फिर ये भी सही करना पड़ेगा। ए के अंदर ये जो आ रहा है, इसकी भी वैल्यू चेंज हो गई ना, तो ये भी फिर मुझे इसके मुताबिक करना पड़ेगा। ये देखें मैंने ये कर दिया, ठीक है ये हो गया। अब देखें, हालांकि अभी मैं कोई ट्रेसिंग पेपर या कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही एक जस्ट अंदाजे से ही बना रहा हूँ। अब मुझे ये देखें कि ये रिपीट मेरी तीन, ये मेरी लाइन आ रही है ये वाली, ये अब ये हिस्सा मेरा यहाँ आएगा। अब मुझे ये पूरा इमेज उठा के इधर कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ इतना हिस्सा मैं यहाँ ले लूँगा ऐसे देखें, जो इसके ऊपर आना चाह रहा है, ताकि मुझे सिर्फ आइडिया हो जाए कि करना क्या है। अब ये यहाँ से देखें, ये ऐसे उठा ये पूरा एरिया जैसे, ये देखें बस मैं एक मामूली से एक हल्का सा आइडिया ले रहा हूँ, मुझे क्रिएशन नज़र आ जाए कि होना होने वाला क्या है। अब ये देखें, अब ये मैंने इसको करा कंप्लीट ऐसे मैनुअली। अब आप ये गौर करेंगे ना कि इस बॉक्स के अंदर ये हिस्सा जो था बीम है, और अगर मैं इसको बी कर दूं, तो अब आप देखें ये बी के अंदर जिस पोजीशन में जो चीज़ जहाँ से इधर आ रही है, वो देखें इधर से भी आएगी। ठीक है, अभी तो मैंने ट्रेसिंग पेपर का यूज़ नहीं किया है, तो ये एक बराबर नहीं लग रही होगी, लेकिन जिस वक्त आप किसी भी एक बॉक्स को फाइनल करके और ट्रेसिंग पेपर से ट्रेस करके यहाँ कॉपी करेंगे, तो ये सेम लोकेशन पाएगा। और वह ट्रेसिंग कर पेपर यूज़ करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया था कि आप ये प्लस बना लें चारों तरफ, ठीक है, ताकि ट्रेसिंग पेपर को आप मूव कर सकें अलाइनमेंट के साथ। ठीक है, अब सिर्फ यहाँ तक कि हमें ज़रूरत पड़ेगी ट्रेस करने की किसी भी एक ख़ास इमेज को, जो फाइनल हो जाएगा। अब फर्ज करें ये हमारा ये डिज़ाइन फाइनल हो गया है। अब मुझे पता चल गया ये रिपीट मेरी यहाँ आ गई, और ये हिस्सा जो बाहर गया था ये पत्ता इधर आ रहा है, ये हिस्सा जो बाहर गया था ये अंदर आ रहा है, और ये जो इतना लंबा ये ऐसे आ रहा था, ये हमने हल्का सा ये बनाया। अब हमने इसको पूरा नहीं बनाना शुरू कर दिया कि ये हमने पूरी इसकी न्यू रिपीट बिठाए, तो इसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बस सिर्फ इतना हमें समझना होता है, हल्का सा इशारा थोड़ा सा बाहर अंदर लेफ्ट राइट दे सकते हैं हम। अब फर्ज करें कि मैंने इसके ऊपर से एक पत्ती और निकाल दी ऐसे करके, और एक पत्ती यूँ निकाल दी। अब क्या होगा इसका, ये देखें सोचें आप, ये फिर वही ए है, ठीक है, ये ए हो गया। अब यहाँ ये जो पत्ती है ये सारी, ये पूरी कॉपी होकर इधर आ जाएगी इस वाले हिस्से में यहाँ से। तो इसका मतलब जब ये कॉपी करके करके आप इसको ट्रेसिंग पेपर से इस बॉक्स को ये पूरा यहाँ जब आप ला के यहाँ पर फिट करेंगे क्रॉस में, तो ये हिस्सा कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखें ऐसे ऐसे, ये देख रहे हैं, और ये पत्ती इधर जब अब देखें ये यहाँ ये पत्ती से इसकी ये करीब हो गया। इसका मतलब है हमारी यहाँ पर ये जो पत्ती है ये हम बनाना यहाँ भूल गए हैं। अब देखें ये भी हमें यहाँ देनी पड़ेगी, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर जो चीज़ है वो इधर तो आनी है ना, ये आ गई। और ये देखें ये हिस्सा इसके बाद ये आ रहा है क्रॉस में, ये आ रहा है। अब इसकी ये पहचान है, कोई भी चीज़ आप देखेंगे ना इसके क्रॉस में ही सेम इसकी कॉपी हो रही होगी, ठीक है, कोई भी चीज़ रिपीट हो रही है ना इसके क्रॉस में। और ये चार तरफ से कोई भी चीज़ बाहर के साइड निकलेगी वो अंदर आएगी, चाहे इधर से बाहर निकले वो यहाँ अंदर आएगी। इस तरफ से अगर कोई चीज़ बाहर निकलती है ना यूँ करके, ये यहाँ से ये बाहर आ रहा है, तो ये सेम यहाँ अंदर आ जाएगा ऐसे, इसके अंदर आ जाएगी। और इस तरफ से अगर कोई चीज़ कोई भी चीज़ बाहर की तरफ आती है, उसके सीधे में बिल्कुल ये यहाँ अंदर के साइड आ जाएगी, लेकिन सेम आएगी, ये उल्टी पलट के नहीं आएगी। जैसे ये पत्ती ये बाहर आ रही है तो बिल्कुल इसके सामने ऐसे ही आ जाएगी बस। अब क्या है कि इसके नीचे से ये वाली डाल आ रही है, देखें। अब मैं तो सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ ऐसे आइडिएशन कर रहा हूँ ना। अब मुझे ये पता ही ऐसे ऐसे गिरा है, और यहाँ से ये हमारा ये सब फिर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो अब आप ये देख लें, इसको समझ लें, कभी भी रिपीट बनाए ना, तो ये बॉक्स के पूरा
पूरा 3 बाई 3 इंच के बॉक्स पे आप पूरा कोई पैटर्न ना बना लें इतना बड़ा, वरना वो तो टकराना ही टकराना है। फिर जब जाल या कोई पैटर्न वगैरह बनाएं तो ये बॉक्स का कोई हिस्सा एक सेलेक्ट कर लें, उसके अंदर बनाया करें, ठीक है। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया है। अब इसके बाद मैं फिनिशिंग के साथ मैं आपको इस अंदाज़ पे एक पूरी प्रोफेशनल वीडियो बना के दूंगा, जो कि पक्का सीमलेस पैटर्न बन रहा होगा, क्योंकि वो 3-4 घंटे में डिज़ाइन तैयार होता है, तो मुमकिन नहीं है मैं वीडियो में तफसील से उसको बना के दिखा सकूँ। तो ये मैंने बस आपको समझाने के लिए कहा, ये मैंने कहा था कि वीडियो बना दूंगा, तो ये मैंने दोबारा बनाया ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब फर्श करें, मैंने देखें यहाँ ये चीज़ मैंने लगा दी, ठीक है। अब आप मुझे इसका जवाब दें, ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इस पत्ती, ये जो पत्ती है हमारी, ठीक है, ये बताएं कि ये हमारी कहाँ पर आएगी, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ये किस जगह आएगी, इसकी लोकेशन बताएं मुझे, कहाँ कहाँ इसकी लोकेशन आ सकती है, ठीक है। जैसे ये मिसाल के मैं ये बता देता हूँ, ये बी है और ये बॉक्स भी बी है, ठीक है। और ये ऑलरेडी ये पत्ती देखें यहाँ आ रही है, ये थोड़ा ये पत्ता था, सॉरी ये पत्ता देखें यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें कोई भी चीज़ इजाफा कर दूँगा ना, तो इसके बारे में आप बताइएगा, अब ये कहाँ आएगा, ठीक है, किस जगह आएगा, ये आप बता दीजिएगा, ठीक है आप लोग। तो बस आज के लिए इतना ही, अब इसके बाद फिर मैं एक दो वीडियो और बना दूँगा मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।